बिहार में अगले 20 साल तक एनडीए की ही सरकार रहेगी और इसकी योजना तैयार कर ली गई है। जिस तरीके से केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2047 चलाया है, वैसे ही बिहार में भी राज्य सरकार ने भी मिशन 2047 चलाया है, यानी कि 2047 तक की योजना तैयार कर ली गई है कि बिहार का भविष्य 2047 में क्या होने वाला है, बिहार किस तरीके से विकास करेगा, मौजूदा योजना आने वाले 20 साल के लिए क्या योजना रहेगी, इसके लिए मिशन 2047 चुना गया है, जिसके तहत तमाम विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि आप 2047 के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, दस्तावेज तैयार कीजिए, ताकि हम बिहार वालों को बताएं कि 2047 तक बिहार का कितना विकास होगा। जब तक हमारी सरकार रहेगी हम ये काम करते रहेंगे और 2047 तक हमारा मिशन है कि बिहार कितना आगे बढ़े। बताते चले हम आपको कि तमाम विभागों को ये निर्देश दिया गया है कि आप बिहार विज़न 2047 डॉक्यूमेंट में हर विभाग के विजन को समाहित किया जाएगा। यही नहीं, इसमें बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने की विस्तृत कार्य योजना भी रहेगी। ये भी बताया जाएगा कि बिहार अपने इस लक्ष्य को कैसे पा सकता है। विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के मौजूदा विकास दर को और तेज करने के साथ साथ उसे सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने की भी योजना रहेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिहार अपने आंतरिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग की कार्य योजना भी इस डॉक्यूमेंट में शामिल करेगा। राज्य सरकार सूबे की प्रमुख सरकारी योजनाओं, कार्यक्रम के क्रियान्वयन और विभागों के बीच समन्वय के लिए राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना करेगी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के तर्ज पर बिहार के अंतर्गत संचालित 50 करोड़ या उससे अधिक की योजनाओं की विशेष निगरानी होगी। इसके लिए तकनीकी पोर्टल विकसित होगा। विशेष टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए उत्तर और दक्षिण बिहार के जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों और अभियंताओं के साथ हर माह समीक्षा बैठक होगी। इसके आधार पर सरकार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा भी तय करेगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों और विभागों को कार्यान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी। इससे योजनाओं के पूरा होने में हो रहे अनावश्यक विलंब से मुक्ति मिलेगी। यानी कि साफ तौर पर राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। बैठक में विभाग के स्तर पर चल रही विकास योजनाओं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, मंदिर चार दीवारी योजना निर्माण, इसके अलावा पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना, बिहार महादलित विकास मिशन, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम एवं भारत सरकार की परियोजना निगरानी समूह की प्रगति की समीक्षा की गई है। यानी कि साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में बताया कि आप मिशन 2047 की तरफ कदम बढ़ाइए। आप बिहार वालों को बताइए कि हमारा बिहार 2047 में कैसा होगा, बिहार की जो अभी की योजनाएं हैं वो 2047 में क्या फल दिखाएगी, बिहार कितना विकसित होगा और इसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, ये भी इस डॉक्यूमेंट में दिखाई जाएंगी। इस डॉक्यूमेंट में ये भी शामिल किया जाएगा कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को क्या कुछ करना पड़ेगा। और इस योजना के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आप को सीएम की कुर्सी के लिए फिक्स कर लिया है। नीतीश कुमार आज के बिहार नहीं बल्कि 2047 की बिहार को दिखाएंगे। बिहार 2047 में कैसा होगा, बिहार में कितनी योजनाएं होंगी और अभी जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं इसका फल आने वाले भविष्य में कैसा दिखाई देगा, इस तमाम बातों को डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा, जहाँ पर विभाग अपने अपने स्तर पर डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और तमाम अधिकारी ये बताएंगे, तमाम विभाग ये बताएगा कि 2047 के लिए उसकी कैसी योजना है और इस योजना को पूरा करने के लिए उन तमाम अधिकारियों को क्या कुछ करना पड़ेगा, सरकार को इस ओर क्या कदम उठाना होगा, ये भी उस डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा। नीतीश कुमार ने बैठक बुलाकर इन तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है और इसके साथ साथ एनडीए की सरकार का मिशन भी बता दिया है, एनडीए का क्या विज़न होगा ये भी बता दिया गया है। नीतीश कुमार अगर सीएम रहते हैं तो
तो बिहार का कितना विकास किया जाएगा। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार ने बिहार वालों को ना केवल ये बताया कि 2025 में बिहार कैसा होगा, हम जो फिर से एक बार सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे बिहार के लिए, इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि आने वाले 3-4 और भी इलेक्शन में अगर आप हमको जिताते हैं तो हम बिहार का कैसा विकास करेंगे। तमाम विभाग को बता दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और हमें बताइए कि 2047 का बिहार कैसा होगा। नीतीश कुमार ने बैठक करके तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है और अब अधिकारी ये डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। इस बारे में और भी कोई अपडेट सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।